चंपावत में गोलुज्य ग्रीष्मोत्सव में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शिरकत की, जहां पर पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री का नेपाल दौरे से दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आई है, साथ ही पंचेश्वर बांध के निर्माण कार्य ने भी तेजी पकड़ी है। पंचेश्वर डैम निर्माण के लिए अपनी अंतिम पायदान में चल रहा है और उसके दृष्टिगत जो दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नेपाल के माध्यम से भी सहयोग मिल रहा है। जो हमारा टनकपुर से लेकर के महेंद्रनगर को जोड़ने वाला जो नया प्रस्तावित मार्ग है उसमें उत्तराखंड की ओर 1300 मीटर का एक मोटर मार्ग जो 4 लेन सड़क बना है उसके भूमि हस्तांतरण इत्यादि का प्रकरण था, वो हमने बिल्कुल रिकॉर्ड समय में 48 घंटे के अंदर अंदर भूमि हस्तांतरित करवा दी और आज उसके टेंडर भी लग गए हैं, अर्थात वो शीघ्र से शीघ्र निर्माण हो जाएगा। और ये सब तभी हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से उसमें इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने अपने उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तयशुदा समय पर पूरा करने का विषय कहा है। दूसरा, हमारे जो खटीमा से इधर को जो ऊधम सिंह नगर से चंपावत जिले को जोड़ता हुआ मार्ग है जो वहाँ से महेंद्र नगर को जाता है और उसको 4 लेन सड़क बनाने का। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 साल में मित्र देश नेपाल का तीसरी बार दौरा किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।